हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एफसीआई गोदाम में गेहूं से भरे ट्रक जालान ट्रांसपोर्ट गंगानगर और मीडा ट्रांसपोर्ट ओबोर से लोड होकर जालोर आने पर एफसीआई गोदाम से लगकर रेलवे स्टेशन तक लाइन लगी हुई है, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। जाम लगने का कारण एफसीआई गोदाम में गेहूं रखने के लिए जगह नहीं होने के वजह से 5-6 दिन से ट्रक यहां पड़े हुए हैं। रसद विभाग के द्वारा समय पर अपना स्टॉक एफसीआई गोदाम से नहीं उठाने पर यह स्थिति बनी हुई है, जिससे भारत में चलने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लेकिन एफसीआई के अधिकारियों द्वारा कई बार रसद विभाग को लेटर लिखकर अवगत करवाया गया। आखिरकार ट्रक ड्राइवर ने आज गुरुवार को जिला कलेक्टर के नाम अतिरिक्त कलेक्टर संजय वासु को ज्ञापन देकर बताया कि ट्रक ड्राइवर जो कि डबवाली हरियाणा से जालोर एफसीआई गोदाम जालोर में गेहूं लोड करके लेकर आए हैं, जो कि जालन ट्रांसपोर्ट श्री गंगानगर और मिंडा ट्रांसपोर्ट ओबोर ने गेहूं ट्रकों में लोड करवाया है, जो कि एफसीआई गोदाम जालोर में खाली करने के लिए आए हैं। हमें जालोर गोदाम में लगभग 4-5 दिन हो गए, मगर हमारे उक्त गेहूं से भरे ट्रकें गाड़ियां खाली नहीं हो रही। एफसीआई गोदाम में मैनेजर ने हमें बोला है कि हमारे गोदाम में जगह नहीं है और यह माल हमारा नहीं है, ठेकेदार का माल है। ट्रांसपोर्ट वाला भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, ना ही ट्रकों वालों को कोई भत्ता मिल रहा और ना ही गाड़ियां रोकने के लिए कोई सही पार्किंग स्थल भी नहीं है। हमारी गेहूं से भरी ट्रकें रोड पर खड़ी है, जिससे मोहल्ले वाले और सड़क पर आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है। ट्रैफिक जाम हो रहा है, सभी ट्रक वालों को मोहल्ले वाले लोग गालियां तक निकाल रहे हैं। इससे तंग और परेशान होकर हम सब ड्राइवर लोग आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे हैं। ज्ञापन देकर बताया कि ट्रकों को जल्द से जल्द खाली करवाने का अनुरोध किया जाए। इस दौरान पवन स्वामी, जनक काला, गुलचंद, कुलविंदर, केवलपुरी, राकेश, प्रदीप, भगवंत सिंह, महेंद्र रोत, नरेश और राजा राम सहित काफी संख्या में ट्रक ड्राइवर मौजूद थे। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।